ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। जी हाँ, ये नियम 20 दिसंबर तो लागू हो गए हैं। कैनेडा विच स्थित भारतीय हाई कमिशन वालों जारी एक प्रेस रिलीज विच कहा गया कि जो कैनेडियन भारत विच टूरिज्म, व्यापार, मेडिकल जां किसी कॉन्फ्रेंस आदि लई जाना चाहते हैं वह ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ई वीजा प्रोग्राम दे विच बिनेकार घर बैठे ऑनलाइन तरीके नाल भारत दे वीजे लई अर्जी दिंदे हन अते उन्हां नूं ट्रैवल करन दे लई लोड़ीदा दस्तावेज ईमेल राही भेज दित्ता जांदा जिस नूं प्रिंट करवा के ओह यात्रा कर सकदे हन। जेकर बिनेकारां कोल कैनेडियन नागरिकता है भावें ओह भारत विच पैदा होए होण उन्हां नूं वापस जाण दे लई वीजा लैणा पवेगा क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता दी इजाजत नहीं दिंदा। भारतीय मूल दे बहुत सारे व्यक्ति कैनेडा दी नागरिकता लै लैंदे ने। वैबसाइट दे मुताबिक बिनेकारां नूं यात्रा तो घट्टो घट 4 दिन पहला अर्जी देनी चाहीदी है। तां दस दईए कि कोविड महामारी तो पहला बिनेकार ऑनलाइन वीजा अप्लाई करदे सन पर इस प्रोग्राम नूं बंद कर दिता गया सी। इस तों बाद भावें 156 तो वध देशां विच इस प्रोग्राम नूं बहाल कर दिता गया सी पर कैनेडा लई इस नूं बंद ही रख्या गया सी। ट्रैवल माहर ई वीजा बहाल कीते जाण दी मंग कर रहे सन। ई वीजा अप्लाई ना हो सकण दी सूरत विच बिनेकारां नूं BLS दफ्तर जाके लाइन विच लग के अप्लाई करना पैंदा सी। BLS दफ्तर अगे वड्डियां लाइनां लगदियां सन अते बिनेकारां नूं घंटियां बद्धी उडीक करनी पैंदी सी। भारतीय हाई कमिशन ने अपील कीती है कि जेड़े बिनेकार BLS दफ्तर जाके अप्लाई कर चुके हैं वो अपने वीजे दी उड़ीक करन। अजेहे बिनेकार BLS दी वैबसाइट ते जाके अपनी अर्जी वापस भी लै सकते हैं जेड़े बिनेकारां कोल BLS दी बुकिंग है अते उन्होंने आउंदे दिनां विच BLS जाके अप्लाई करना सी। हाई कमिशन वालों उन्हां बिनेकारां नूं अपनी अपॉइंटमेंट रद्द करन दी अपील कीती जा रही है ता जो ओह स्लॉट होरना दे काम आ सकन।